तो भाई आज है 30 नवंबर और टाइम हो रहा है 10:55। आज हमारा चेकआउट करने का टाइम है और हम क्राबी के होटल से चेकआउट करके फुकट जा रहे हैं। अब यार फुकट जाने के लिए ना यहाँ पे दो तीन ऑप्शंस आपको मिलते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है कि आप फेरी से जा सकते हैं, जिसके लिए आपको पे करना पड़ेगा अराउंड 600 बाथ। दूसरा ऑप्शन है कि आप मिनी वैन ले सकते हैं, जो कि शेयर्ड मिनी वैन होता है और उसके लिए आपको पे करना पड़ता है अराउंड 500 बाट। और जो तीसरा ऑप्शन है और सबसे मतलब फास्ट है, हालांकि उसमें पैसे थोड़ा सा ज़्यादा आपको पे करना पड़ता है, वो है आपका प्राइवेट टैक्सी। तो हमने अभी आज क्राबी से फुकेट जाने के लिए प्राइवेट टैक्सी करी है और इसके लिए हमको पे करना पड़ा है 2100 बाट। आधे घंटे में निकलने वाले हम लोग यहाँ से फुकेट के लिए। बाकी यार क्राबी में बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं करने के लिए। देखो सिर्फ यहाँ पे बीचेस हैं और आइलैंड वगैरह हैं, तो आप कितना ही आइलैंड हॉपिंग करोगे। इसके अलावा क्राबी में यार चार पांच चीज़ें और भी हैं, जैसे कि अगर आप एलिफेंट के शौकीन हो तो आप यहाँ पे एक जगह है जहाँ पे आप एलिफेंट के साथ में टाइम स्पेंड कर सकते हो, उनके साथ फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कर सकते हो। मुझे एलिफेंट का ज़्यादा शौक है नहीं था, इसलिए हम वहाँ पे गए नहीं। बाकी दो तीन जगह और भी हैं, जैसे कि यहाँ पे एक जगह है जहाँ पे हॉट स्प्रिंग वाटर आता है, वहाँ पे जाके आप बाथ वगैरह ले सकते हो। इनका मानना है कि अगर आप वहाँ पे बाथ वगैरह लेते हो तो उस वाटर में एक हीलिंग कैपेसिटी भी है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे स्टे कर रहे हैं आवनांग बीच के पास में। तो मतलब होटल से अराउंड 200 मीटर होगा हमारे होटल से आवनांग बीच। तो जब भी मन करता है हम बीच तो जाके घूम ही लेते हैं। तो यार आई थिंक क्राबी 1 या 1.5 दिन इनफ है पूरा घूमने के लिए। अब हम जा रहे हैं फुकेट के लिए और आगे आपको दिखाते हैं फुकेट में और क्या क्या चीज़ें हमको मिलती है। तो भाई अभी भी 20-25 मिनट बचे हैं टैक्सी आने के लिए, तो मैंने सोचा कि यार एक बार एक राउंड और लगा के आना चाहिए आवनांग बीच का। तो फिलहाल मैं आवनांग बीच जा रहा हूँ अभी। बाकी यार एक चीज़ थोड़ी सी मिस करी हमने, यार 2 दिन हो गया क्राबी आए हुए और यहाँ का जो वेदर है वो बड़ा क्लाउडी हो रखा है, मतलब धूप नहीं निकली है। तो थोड़ा सा मतलब मैं इस उम्मीद के साथ आया था कि क्राबी में बकायदा धूप निकली होगी, हॉट सनी डे होगा, लेकिन क्लाउडी वेदर होने की वजह से थोड़ा सा अलग सा ही मौसम बना हुआ है यहाँ पे। बाकी अच्छी चीज़ भी है कुछ, इसका फ़ायदा ये है कि आपको सनस्क्रीन लगा के घूमने की ज़रूरत नहीं है और हल्का हल्का मिस्ट जैसा बारिश भी हो रहा है लगातार 2 दिन से। लेकिन जब आप यहाँ की गलियों में आओगे घूमोगे ना, तो आपको थोड़ा थोड़ा गोवा जैसा फील आएगा। मतलब गोवा में भी ऐसा ही माहौल दिखता है देखने के लिए। साइड में रोडे हैं, गाड़ियाँ खड़ी हैं जो रेंट पे देने वाली, साइड में गलियों में आपको टूरिस्ट दिख जाएंगे घूमते हुए। हर 4-5 दुकानों के बाद एक टूर ऑपरेटर की दुकान दिख जाती है, जहाँ पे आप जाके सारे अपने इन्फॉर्मेशन वगैरह ले सकते हो। 7-Eleven आपको हर गली में मिलेगी यहाँ पे, और 7-Eleven ना बहुत पैसा बचाता है टूरिस्ट का, बहुत ज़्यादा। मतलब आपको भूख लगी है आप 7-Eleven चले जाओ, आपको दारू पीना है आप 7-Eleven चले जाओ, बियर लेनी है 7-Eleven चले जाओ, आपको स्नैक्स ख़रीदना है, सुबह का नाश्ता करना है, रॉ मटेरियल ख़रीदना है, परफ्यूम्स ख़रीदने, कुछ भी ख़रीदना है यार 7-Eleven चले जाओ, आपका बहुत पैसा बच जाएगा। जो बियर आपको ये रेस्टोरेंट वाले 100 150 200 बात में देते हैं, वही सेम बियर आपको 7-Eleven में 55 बात 60 बात में मिल जाता है। तो ऑफ कोर्स पैसे तो बचते ही हैं यार, नो डाउट। बाकी अभी फ़िलहाल 11:05-10 मिनट हुआ होगा और यहाँ का माहौल आप देखो, क्राबी में इस वक्त कुछ ऐसा हो रखा है। और हम आ गए ऑलमोस्ट आवनांग बीच के पास में, और शायद आपको वीडियो में बीच दिखने भी लगा होगा अब यहाँ पे। यार इस तरीके की जगह पे जाओ ना तो टैटू की दुकान जरूर दिख जाते हैं। बाय बाय।
देखो ये होटल है वेकेशन विलेज प्राणागिन। ये सारे जो बंदे सामने बैठे हुए हैं ना टैक्सी लेके, इनको आप जाओगे पूछोगे कि भाई हमको मतलब आप आसपास के 2-3 किलोमीटर की जगह बताओगे कि यहाँ जाना है, कितना लोगे, तो इनका सबसे पहला पता है क्या बोलते हैं ये लोग, 300 बात। मतलब डिस्टेंस भले 2 किलोमीटर है लेकिन आपसे डिमांड करेंगे 300 बात। बार्गेनिंग करोगे आप ज़्यादा 250 में आएंगे, 200 में आएंगे, उससे ज़्यादा कम नहीं करेंगे। तो यार अगर आप 3 किलोमीटर भी ट्रैवल कर रहे हो, जा रहे हो, और इसके अगर 200 बात दे रहे हो, तो आप जस्ट इमेजिन करो कि इंडियन करेंसी में ये हो जाता है अराउंड 500 रुपये। इंडिया में कभी आपने 2-3 किलोमीटर के 500 रुपये नहीं दिए होंगे। तो थोड़ी सी महंगी तो है यार जगह, नो डाउट, लेकिन हाँ वर्थ है। और ख़ास तौर पे मेरे को लगता है थोड़ा सा महंगा तब हो जाता है ना जब आप सिटीज़ चेंज करते हो। तो आप देख सकते हो ये है ओनांग बीच पूरे थाईलैंड में। और यहाँ आने के बाद क्राबी में भी मैंने बहुत नोटिस किया कि यहाँ की जो गाड़ियाँ हैं ना ज़्यादातर आपको सुजुकी, टोयोटा, होंडा इनकी दिखेंगी। मतलब यहाँ पे आपको हीरो, टाटा, बजाज ये सारे ब्रांड की गाड़ियाँ देखने के लिए नहीं मिलेंगी। पता नहीं यार इंडियंस जो मैन्युफैक्चरर हैं वो यहाँ पे डील नहीं करते, या फिर यहाँ के गवर्नमेंट ही इंडियन गाड़ीज़ ख़रीदती नहीं है, मतलब इंपोर्ट नहीं करती है, पता नहीं क्या सीन है। बट यहाँ पे गाड़ियाँ देखने के लिए मिलती नहीं है इंडियन मैन्युफैक्चर्ड व्हीकल्स। तो भाई सामने की तरफ ये है हमारा होटल, एंड आई थिंक शायद अभी टैक्सी आई नहीं है, बट चेकआउट का टाइम ऑलमोस्ट हो चुका है। तो चलते हैं, चेकआउट की फॉर्मेलिटीज़ करते हैं और बाहर आते हैं अपना लगेज लेके। भाई फाइनल चेकआउट कर लिया हमने और सामने की तरफ ये है हमारी टैक्सी जो हमको ड्रॉप करेगी पटोंग। यार ये तो काफ़ी देर से यहाँ पे खड़ी हुई थी, मुझे लगा था कि शायद ये हमारी नहीं है। तो भाई प्राइवेट टैक्सी से ट्रैवल करने का एक और फ़ायदा ये है कि आप जहाँ पे चाहो वहाँ पे रुकवा सकते हो। फ़िलहाल हम लोग रुके हुए हैं यहाँ पे एक पेट्रोल पंप है, वॉशरूम वगैरह जाना था इसलिए। और मेरे सामने यहाँ पे आप ये गाड़ी देख सकते हो जिससे हम आज ट्रैवल कर रहे हैं फुकेट के लिए। और यार पेट्रोल पंप में मैं तो कहूँगा आपको ज़रूर रुकना चाहिए, क्योंकि जितने भी पेट्रोल पंप है ना यहाँ से बहुत ही खूबसूरत व्यू आता है माउंटेन्स वगैरह का। तो आप देखिए मेरे सामने भी एक छोटा सा माउंटेन है और बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है यहाँ से। और ये इस पेट्रोल पंप से पूरा व्यू नज़र आता है कुछ इस तरीके का। पेट्रोल का कीमत 36 बात है 1 लीटर का, तो 36 कितना हो गया 72, और 18 ऐड करोगे तो 90। मतलब इंडिया से थोड़ा सस्ता है यार, 90 रुपये लीटर यहाँ पे पेट्रोल मिल रहा है। लेकिन पेट्रोल की अलग अलग वैराइटीज़ हैं, दो तीन वैराइटीज़ के पेट्रोल मिलते हैं। जैसे इंडिया में आपने देखा होगा ना 2 तरीके के पेट्रोल मिलते हैं, एक वो स्पीड वाला होता है कौन सा प्रीमियम, और एक नॉर्मल। तो 2-3 वैरायटी के हैं, तो मैंने आई थिंक जो सबसे लोअर वैरायटी का था वो वाला डलवाया था। यहाँ से हमारा फुकेट का जो जर्नी है अराउंड 1 घंटे का और बचा हुआ है, और डिस्टेंस है 59 किलोमीटर। सो टाइम हो चला है वापस जाने का। So guys, this is our the moment you are in the आपको the card से पहले एंटर करना है। रूम में वही सारी एमिनिटीज़ हैं, सारी चीज़ें हैं जो जनरली आपको मिलती हैं होटल के वॉशरूम में। ये रहा रूम, यार यहाँ पे बालकनी नहीं है इस वाले रूम में, और ये काउच। हम आ चुके हैं फुकेट और कर लिया आपने होटल में चेक इन। तो हमारे होटल से पटोंग बीच का जो डिस्टेंस है वो है 1.2 किलोमीटर, तो अराउंड 10 मिनट वॉक करना पड़ेगा तब जाके हम पहुंचेंगे बीच में।
तो फिलहाल अभी हम बीच की तरफ ही जा रहे हैं और कुछ इस तरीके का फिलहाल यहाँ पे माहौल है। यार यहाँ पे भी एक कैनबिस की शॉप दिख रही है और ये बाइक्स वगैरह खड़ी हैं जिन्हें आप रेंट पे ले सकते हो। ये भाई का निकाल रहा पानी भर रहा है वाटर डिस्पेंसर मशीन। भाई इस वक्त मैं हूँ पटोंग बीच के चौराहे में और मेरे पीछे आप यहाँ पे पटोंग बीच देख सकते हो। तो क्राबी से पटोंग का जो रास्ता है वो बहुत ही खूबसूरत है और डिस्टेंस है अराउंड 174 किलोमीटर। अगर आप आवनांग बीच क्राबी से पटोंग बीच फुकेट अगर आ रहे हैं तो, लेकिन क्योंकि रोड इतनी शानदार है तो 174 किलोमीटर आप कम से 3 घंटे में कवर कर लोगे।